तो वहीं कटिमा में छात्रसंघ चुनाव टलने के कारण एक छात्र नेता यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ गया, तो शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 25 अक्टूबर को छात्र संघ चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर चुनाव निरस्त कर दिया गया। इससे नाराज होकर एबीवीपी छात्र संघ उम्मीदवार हर्षित सिंह यूनिवर्सिटी छत पर चढ़ गया और चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की, जिसके बाद उप जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह विष्ट ने मौके पर पहुंचकर छात्र नेता को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं हर्षित सिंह हूँ, इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और विगत 5 वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम कर रहा हूँ, पर इस बार मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहा था। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 10 तारीख को एक लेटर आया था जिसमें ये कहा था कि 25 तारीख को छात्र संघ के चुनाव होने, आज 25 तारीख है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी यही मांग है कि मैं, मेरा सपना है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं इस महाविद्यालय के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरा सपना मत टूटने दीजिए और मेरे को जितनी जल्दी हो सकता है मेरे को आप छात्र संघ की डेट चुनाव की बता दें। छात्र संघ चुनाव जो तय तिथि में होने चाहिए वो बन नहीं पाए और माननीय न्यायालय का भी आदेश था कि 30 सितंबर तक अगर ये चुनाव नहीं हो तो सरकार इस बारे में सोचे, तो लिहाजा इसी के विरोध में यहाँ पर छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी जो उम्मीदवार थे यहाँ पर छत में चढ़ गए थे, उनको समझा बुझा तो उनको मना दिया है और उनको नीचे ले आए हैं, उनको समझा दिया कि भाई आप अनशन कर तो आराम से करिए, ये छत में चलना ठीक नहीं है ये बात, तो वो हमारी बात को समझ गए हैं, जो भी उनकी बात है तो हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को